को डिफाइन किया है कि कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीजा खाओ और अमल भी पाकीजा करो। तो जो असल बात में ये मुहर्रम ही के हवाले से ये आयत का मैंने इंतखाब किया था कि जब आप पाकीजा काम करेंगे और पाकीजा खाएंगे तो इससे आप लोगों को अच्छे लगेंगे और लोगों का दिल चाहेगा कि आप जैसे बन जाएं। समझ में आ रही बात? एक मिसाल देता हूं। देखो कोई भंगी हो जो बेचारा हर वक्त गंदगी में रहता हो, उसे आप समझाएं कि यार अच्छी जिंदगी गुजारो, साफ सुथरे हो जाओ। आपने किसी दिन उसको नहला दिया, बेहतरीन कपड़े डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, क्योंकि जाहिर है वो इतने दिनों से एक काम कर रहा है तो वो सर्विस के बगैर धुलेगा नहीं। सर्विस करवाई आपने उसकी, खूब नहला धुला के उस पर स्प्रे छिड़क दिया आपने और तीन दिन तक कंटिन्यू यही काम किया, तो आप मुझे बताओ उसको बुरा फील होगा या अच्छा फील होगा? कहेगा यार बड़ा मजा आया, उसके दिल में अपने काम से नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छी चीज में, अच्छी तहारत में, पाकी में अल्लाह ने अट्रैक्शन रखी है। जैसे साफ सुथरा आदमी अच्छा लगता है, गंदा अच्छा लगता है? साफ सुथरा अच्छा लगता है। तो साफ सुथरे आमाल वाला भी इंसान को अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो डिफाइन किया दो लफ्जों में, अच्छा खाओ और अमल अच्छा करो, क्या मतलब? ऐसा काम करो कि गैर मुस्लिम तुम्हारी तरफ माइल हो कि यार ये बड़े अच्छे हैं। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसकी जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम, बोलो भाई, नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपको मिशाल खान चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है, मुहर्रम हम कैसे मनाए, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। कोई भी आप ऐसा अमल कर रहे हैं, लेबल इस्लाम का लगा रहे हैं, मगर उसे देखकर गैर मुस्लिम को घंटों घंटों समझाना पड़ता है ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लाम, बोलो ना भाई, नहीं है। तो आप मुझे बताओ मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है, क्या ये गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ माइल करेगा ये अमल? है भाई, यानी कोई गैर मुस्लिम इसे देख के मुसलमान होगा कि यार माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इस्लाम है? अफसोस हमें इस पर है कि देखो जिनका मसलक है, जिनका फिका है, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो, अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फिरके शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी, खत्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की जोर से तमाम फिरकों को खत्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो खुद करने की कोशिश ना करो, जो हजरत मेहदी का काम है वो खुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फिरके को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरकों में से एक जन्नती है, तो या तो उधर चले जाओ या, बोलते क्यों नहीं, अभी नहीं बोल रहे तो फिर अमल कैसे करोगे, या तो पूरे उधर चले जाओ या पूरे इधर आ जाओ। मुझे खुदा की कसम इस पर कोई इश्काल नहीं होता कि शिया लोग मातम क्यों कर रहे हैं, शिया लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो जो है वो मरसी क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे इस पर इश्काल नहीं होता। उनके दलाइल होंगे उनके पास, उनके उलमा उनको बताते हैं वो कब कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, वो कब कहते हैं कि हम सहाबा को हुज्जत समझते हैं। एक चीज का उन्होंने दावा ही नहीं किया तो हम उन पर वो क्यों थोपे उनके सर पे। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो भाई फिर सुन्नी हो तो जो अहले सुन्नत वल जमात के जो चारों मकातबे फिगर हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, अहले सुन्नत के हैं ना, इनकी किताबों में कहीं भी इस तरह की कोई चीज, बोलो भाई, नहीं है। मातम करना अहले सुन्नत के यहां जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के सगे चचाजात भाई, मैदान जंग में शहीद हुए, चार बीवियां बेवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत
नहीं दी। इतना गजबनाक हुए जब वो बाज नहीं आए, आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक दे, खाक फेंक दो। हालांकि बेवा हुई हैं, काबिले तरस हैं, लेकिन चीख के रोने की इजाजत, हालांकि वो तो अहले बैत में से थे, हजरत जाफर तैयार जुल्मन शहीद हुए थे। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करबला में ये तारीख का बदतरीन जुल्म, इसलिए बदतरीन जुल्म कि आप गैर मुस्लिमों के हाथों शहीद नहीं हुए, बल्कि उन लोगों के हाथों शहीद हुए जो अपने आप को मुसलमान कहते थे और मुसलमानों की क्यादत उस वक्त उनके हाथ में थी, हुकूमत उनके हाथ में थी। लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के हां जो सुन्नी हैं उनके चारों मकातिब फिक्र के हां ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत, और ना मेरे भाई मातम करने की इजाजत। मेरे भाई आप लोग अल्लाह का वास्ता मुहर्रम में मरसिए ना लगाएं। हर गाड़ी में कोई नोहा चल रहा है, कोई शिया है तो ठीक है वो करे, सुनियों पे ये काम जेब नहीं देता, क्योंकि ये मुनाफकत है, पता ही नहीं चल रहा आप इधर हो या आप उधर हो, आपका मसलक कहीं नहीं पता चल रहा हमें, एक मसलक को फॉलो करो। हमारे यहां मुहर्रम मनहूस महीना नहीं है, हमारे यहां मोहतरम महीना है, मुबारक महीना है। उम्महातुल मोमिनीन में से बाज की इस महीने में शादी हुई है। हम शहादत को नहुसत नहीं समझते, 10 मुहर्रम पहले से मुबारक था, हजरत हुसैन की शहादत की वजह से और मुबारक बन गया, मनहूस नहीं बना। शहादत मुबारक अमल है, मनहूस नहीं है। हम इस महीने में काले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इस महीने में खुशियां मनाने को जायज समझते हैं। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत का जो तरीका हुसैन ने बताया उस तरीके पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है, जो तरीका हुसैन से साबित नहीं है उस तरीके पे मुहर्रम को मनाना ये मोहब्बत का तरीका हमारी राय में नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और एक मैं वजाहत करके बयान को खत्म करूं भाई, ये तो कोशिश करेंगे ना इसकी, मुहर्रम ना मनहूस महीना है, ना इसमें बलाएं नाजिल होती हैं, इसमें खुशियां मनाना भी जायज है, इसमें निकाह करना शादी करना भी दुरुस्त है। ये जो मशहूर है मुहर्रम की शादी नाकाम होती है, 100% गलत है। जो शिया हजरात हैं वो बचें इससे, हमारे यहां ये बिल्कुल इसकी इजाजत है। आप मुहर्रम में निकाह भी करें, मुहर्रम में आप अपने बच्चों का अकीका भी करें, आप इस जो है जो भी खुशियां हैं आप उसकी करें, ताकि इस्लाम का जो रुख है ना, इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है, ताकि गैर मुस्लिमों के सामने कम से कम हमारी तरफ से जो इस्लाम पेश हो वो ये वाला हो, उनकी तरफ से वो वाला हो, गैर मुस्लिम के पास ऑप्शन हो कि भाई देख लो इनमें जो अच्छा लगता है वो वाला इस्लाम आप फॉलो कर लो, लेकिन आप भी वैसे ही बन गए तो फिर इस्लाम का एक रुख जाएगा उनके सामने। समझने की नहीं समझ रहे तो इसलिए ये घरों में मरसिए ना लगाया करें, मैयतों पे नोहा। तो नाजरीन, मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूले। करना गम मनाना हमारी शरीयत में पसंदीदा, 3 दिन तक ताजियत है बस, उसके बाद नहीं। और औरत के लिए शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन इद्दत है।